हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस। तो ये टॉपिक जो है बच्चों, ये 11th में भी है, 12th में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, और बच्चों ये एनडीए में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका एक एग्जांपल है क्रोमियम एलिमेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा क्रोमियम का तो बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर एलिमेंट जो होता है एक्सेप्शनल केस, क्रोमियम एंड कॉपर एलिमेंट जो होता है एक्सेप्शनल केस इन द अबव प्रिंसिपल। ओके बच्चों, और आप देखिएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, क्रोमियम एलिमेंट एटम नंबर, यू नो दैट स्टूडेंट एटम नंबर इज 24। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5, 4s1, 3d5। क्लियर है बच्चों? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, इसे समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर 4s2 कर देते हैं और 3d4 कर देते हैं। प्यारे बच्चों, क्रोमियम एलिमेंट ये एक्सेप्शनल केस देता है। कौन सा केस देता है बच्चों? एक्सेप्शनल केस। क्यों देता है एक्सेप्शनल केस? क्योंकि स्टेबल होने के लिए ऐसा अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या होगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें अनपे इलेक्ट्रॉन पता होने बहुत जरूरी है। अनपे इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया था, आपसे पहले वाली वीडियो बताया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करें यदि, तो देखिए ध्यान से, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 + 8 कितना हो गया 18, एंड 6 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनमें देखो ध्यान से, हमारे पास जो 3p6 है, 3p6 यहां तक सभी जो हमारे सबसेल्स हैं इनके ऑर्बिटल्स पेयर्ड है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है? 4s1 एंड 3d5, 4s1 एंड 3d5। ओके बच्चों, देखो ध्यान से, हमारे पास जो s सबसेल है इसमें ऑर्बिटल होते हैं ओनली 1, और जो हमारे पास d सबसेल है इसमें ऑर्बिटल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एस सबसेल इलेक्ट्रॉन 1 फिल है तो इलेक्ट्रॉन 1 फिल कर दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें देखना है कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अनपेयर का मतलब आप जानते हैं, जहां पर भी ये सिंगल आ जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर, और जहां डबल इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ये होते हैं पेयर। और हमें जो यहाँ पे शो करने हैं ये करने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, 4s के इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते हैं। बच्चों अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ओके प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाइएगा, म्यू एम इज इक्वल टू होता है रोड में एन इंटू एन प्लस टू, और इसकी यूनिट होती है बच्चों bm, और फुल फॉर्म होती है बॉल मैग्नेटोन। क्या होती है बच्चों? बॉल मैग्नेटोन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो वहां पर यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? bm मतलब बॉल मैग्नेटोन। ओके बच्चों, तो उसके बाद इसकी एन की वैल्यू पुट कर दो, इसमें रूट ऐसी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू कितनी है? 6, और 6 + 2 कितने हो गए? 8, और 8 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 48 हो जाएगा। यूनिट ऐसी रहेगी bm, यूनिट ऐसी रहेगी, क्या रहेगी बेटा? bm रहेगी। अब रूट 48 की वैल्यू क्या होती है? रूट 48 की वैल्यू क्या होती है? ये मैंने जो बच्चे कुछ अब से पहले वीडियो वगैरह पढ़ रहे थे ऑनलाइन, उन्हें मैंने समझाया था कि रूट की वैल्यू निकलती कैसे, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि 49 होता, 49 होता यहाँ पर, तो क्या हो जाता? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 49 बाय द वे मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ रूट की वैल्यू निकालने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 49 होता यदि यहाँ पर, तो आप क्या लिख देते? 7 की पावर 2 और रूट ऐसी। क्लियर? पावर से क्या होता है ये? इसको आज से रूट कैंसिल हो जाता, तो कितना आ जाता बच्चों? 7। पॉइंट समझना बिल्कुल ध्यान से, 7 आ जाता मेरे प्यारे बच्चों। अंदर एक नंबर कम आ जाए यदि, तो बाहर 0.1 कम कर दीजिएगा, मतलब 49 होता है यहाँ पर, तो कितना आ जाता? 7। एक नंबर यदि अंदर कम है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6.9 समथिंग हो जाएगा।
क्लियर है। और आपको एक पॉइंटर बता रहे हैं, आपको जो एनडीए वाले बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आए, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आए उनमें 0.9 ऐड कर दीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप निकल जाता है। जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आए, ये वहां पे आप ओपन ना करें, ये तो बेटा सॉल्यूशन है जो बच्चे 11th के हैं, 12th के हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के, बेटा कॉम्पिटेटिव में और एकेडमिक में डिफरेंस है। एकेडमिक मांगता है सॉल्यूशन और कॉम्पिटेटिव मांगता है सीधा आंसर, तो आपको आंसर पे फोकस करना है। तो देखो ध्यान से, यदि मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि वन आ जाए तो उसके लिए 7 ऐड करना, यानी 0.7 ऐड करना आपको। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 1 आ जाए तो उसके लिए क्या ऐड करना आपको बेटा, 0.8 या 0.9। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6 हैं, तो 0.9 ऐड कर दीजिएगा, 6.9 बोर मैग्नेट हो गया। ओके बच्चों।